गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका पुणे ब्लॉगर छवि में। आज है दिन सोमवार और आप सबको हैप्पी मंडे। और अभी दिन के बज रहे हैं 10:00 हो रहा है, 10:15 हो रहा है एक्चुअली। मैं आधे घंटे से अम्मा से बात कर रही थी, सासू अम्मा से गप्पा मार रही थी। सासू अम्मा से गप्पा मार चुकी हूँ, मेरा पूजा पाठ सुबह का हो चुका है। माता श्री मेरी बाजू में यहाँ पे आपको बैठी हुई दिख रही होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा इतू सा सीन आपको दिख रहा होगा अम्मा का। गुड्डू और पप्पा नहीं है, पप्पा का रेडिएशन लेने दिलाने गए हैं गुड्डू, अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। चाय एक एक कप हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ अम्मा के लिए एक कप चाय बनाने के लिए और पापा के लिए गीला चावल चढ़ाने के लिए, क्योंकि पापा जब आते हैं वही चावल खाते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैं किचन में आ चुकी हूँ और विनोद का सॉस पैन धोने वाली हूँ और उसके बाद इसमें चाय बनाने वाली हूँ। तो दूसरी कप चाय, एक तरफ चाय चढ़ाऊंगी, एक तरफ पापा का क्या चढ़ाऊंगी, गीला चावल। चलिए इसको धो लेते हैं चाय। तो चलिए पापा के लिए गीला चावल बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात कर। अभी जा रही हूँ अम्मा का सेकेंड डोज जो है उसका इंजेक्शन जो है कोरोना वाला, कोविड वाला, वो इंजेक्शन जो है सेकेंड डोज जो है वो दिलवाने जा रही हूँ जहांगीर हॉस्पिटल। और सुबह से आप लोगों से बात की, उसके बाद बात नहीं की क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी एक काम में, थोड़ा बिजी हो गई थी। वो क्या काम है बताऊँगी बाद में। तो अभी जा रही हूँ जहांगीर हॉस्पिटल, अम्मा को वैक्सीन दिलाती हूँ, वहाँ का क्या हाल है वो भी दिखलाती हूँ। मैं सुन रही हूँ कि बहुत रश हो गया है, बहुत भीड़ हो गई है, क्योंकि जब फर्स्ट वाला जो वैक्सीन था, जब वो अम्मा को दिलवाने गई थी पहला डोज, तो उस टाइम बड़ा सिस्टमेटिक था, भीड़ वगैरह तो नहीं थी। लेकिन अभी सुन रही हूँ कि जो भी जा रहे हैं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, कुछ भी सिस्टम में नहीं है। बस सुनी हूँ अभी मैं, लेकिन मैं गई थी तो मैं एक्चुअली बहुत अच्छा सिस्टम में था। गई और 15 मिनट भी नहीं लगा और अम्मा का वैक्सीन लग भी गया और इतना अच्छे से उन्होंने केयर वगैरह किया, जो भी पेशेंट आ रहे थे सबका केयर बहुत अच्छा से कर रहे थे। अभी जाती हूँ तो क्या हाल है देखती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होगा तो वहाँ का आँखों देखा हाल भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जहांगीर की क्या स्थिति है, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. सेकेंड डोज लग चुका है वैक्सीन का और कोविड वाले का। इधर आगे रास्ता बंद है, आगे से रास्ता बंद है क्या? अभी तो आई थी इधर से ही, के पास निकलते नहीं अभी। वो तो पता है मुझे, लेकिन अभी बंद कर दिया ना आने का। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, तो अभी जा रही हूँ घर पे, अम्मा को हो गया वैक्सीनेशन। अम्मा को बोली मैं 10 मिनट्स रुक जाओ, तो नहीं नहीं मैं ठीक फील कर रही हूँ, चलो चल रही हूँ घर पे। घर पे चलते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग, गोली अपने लिए और अंशु के लिए सूप बना रही है और बन चुका है, सर्व कर रही है। और आज एक बैड न्यूज़ है, सूप घर में खत्म हो चुका है, तो मुझे अम्मा को और गुड्डू को नहीं मिलने वाला है। और गोल्डी और तुम्हारा कहाँ है गोल्डी? अंशु को उतना भर दियो, लेके जाने में ही नहीं बनेगा। तो अभी सिर्फ गोल्डी और अंशु पीने वाले हैं, मैं खुद के लिए, अम्मा के लिए और गुड्डू के लिए चाय बनाने वाली हूँ। लेकिन चाय बनाने के पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा जो मैं पी रही हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो है रूप मंत्रा। तो पहले मैं एक कप तुलसी मंत्रा पीऊंगी, फिर मैं चाय पीऊंगी। तुलसी मंत्रा लेके आती हूँ मैं, रूप मंत्रा कॉस्मेटिक क्रीम। ये है तुलसी मंत्रा जो आपको कोल्ड कफ की परेशानी को एकदम से ठीक कर देता है। तो मैं इसे कंटिन्यू पी रही हूँ और इतना छोटा ड्रॉप सोच के आपको लगेगा क्या कि ये तुरंत खत्म हो जाता है, ना बाबा। इसको 3 बार पीने पे भी मुझे लगता है आराम से ये
अकेला अगर कोई इंसान इसको लेता है तो ये आराम से 2 महीने तक लास्ट करने वाला है। तो पूरी फैमिली यूज अगर करती है तो आराम से 1 महीने जाने वाला है। तो ये देखिए 1-3 ड्रॉप, और अगर किसी बच्चे को दे रहे हो तो सिर्फ 1 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पता है अगर आप पुणे में रहते हो और अगर आप सोच रहे हो कि आपको वैक्सीन लगवाना है, कहाँ पे वैक्सीन लगवाऊँ कोविड का, मैं आपको बताती हूँ जहांगीर बेस्ट ऑप्शन। जहांगीर में जाकर के वैक्सीन लगवाइए, बेस्ट 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 ऑप्शन। कोई भी कितना भी बोले ना, भीड़ होता है, आप एक बार जाकर के आप देखिए कि कितना बेस्ट ऑप्शन, मतलब इतने अच्छे से सिस्टमेटिकली सब कुछ मैनेज होता है ना वहां पर, आपको क्या बताऊं। बहुत, मैं तो जहांगीर की ऐसी ही फैन नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी वाली जहांगीर की फैन, वहाँ के डॉक्टर्स के, वहाँ के जो आप जाते हो तो वहाँ का जो व्यवस्था होता है ना, जब आप इसको पीते हो ना तो विक्स का कैसे खुशबू नाक के अंदर और जा करके कैसा होता है ना, वैसा ही अंदर तक इसका स्मेल जाता है। से गई थी अभी कैब वाले लोगों को, एसी चलाना जो है वो बंद हो गया है, एसी ऑन नहीं कर सकते। इतनी गर्मी थी, लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि आपको क्या बताओ, ये पूरा सर दर्द हो रहा है मेरा। अम्मा का फोटो दिखलाती हूँ आपको, अम्मा का ना वो पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे मैं जल्दी किसी चीज़ की फ़ैन नहीं होती हूँ, मैं जहांगीर की फ़ैन, जहांगीर हॉस्पिटल की। यहाँ पे पापा का, यहाँ पे ये जो आप कुकर देख रहे हो ना, ये बिनोद 5 लीटर का बिनोद, इस पे पापा का गीला राइस। मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन बिरयानी का रेसिपी शेयर करूंगी, जैसे मैं बताई हूँ वैसे अगर आप बनाते हो ना, या फिर ये ब्लॉग के पहले अगर सोयाबीन बिरयानी का ब्लॉग मैं अगर शेयर कर दूंगी तो देख लेना, आगे पीछे शेयर करूंगी मैं, प्लीज बना उंगली बहुत टेस्टी था। ऐसे ऐसे उंगली है ना, चाट जाओगे, बहुत ज्यादा टेस्टी था। और गोल्डी क्या खा रही है, दिन में आप लोगों को दिखलाई थी मैं, लेकिन पूरा मैं प्रॉपर नहीं आपको बताई थी कैसे बनाई हूँ, प्रॉपर मैं नहीं आपको बताई हूँ, बस सिर्फ दिखला रही हूँ। मुंबई में कौन से फ्लैट का तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वीडियो देख रही थी, उन लोग ने एसी वॉशरूम में भी लगाया था, जितना वॉशरूम उतना एसी। गोल्डी को वही फ्लैट चाहिए, गोल्डी का ये पतला, मेहनत लगता है पतले होने में, और मोटे हम चुटकियों में हो जाते, लेकिन पतले चुटकियों में नहीं होते। मैं होती हूँ यार, क्योंकि जिनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा वो लोग तुरंत पतले होंगे, मम्मा का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई है इसलिए जल्दी मोटी नहीं होती, और जब होती है तो तुरंत पतली हो जाती है, समझे। गुड इवनिंग, शाम की चाय आप सभी पीजिए। ये गुड्डू का खाली बिस्किट, और ये मेरा पार्ले जी है चॉकलेटी, पार्ले जी है चॉकलेटी जा रही है, और यहाँ बाजू में चाय की पार्टी हो। तो जैसे आप लोग देखे हो कि मैं चाय पीने जा रही थी, तो चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में। ये आप जो देख रहे हैं मिक्स वेज रोल बना रही हूँ मैं गोल्डी और अंशु के लिए, तो वो बस ये स्टफिंग रेडी रहेगा, बस फुल्का या पराठा किसी के भी अंदर इसको रोल बना देने पर, बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं। इसका रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कभी। आई होप कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।